गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हमारा जो चैप्टर है वो लेसन सिक्स है, चैप्टर सिक्स है, जो हमने कल बताया था आप लोगों को कि चैप्टर सिक्स में वंस अपॉन ए टाइम, ये चैप्टर का नाम है वंस अपॉन टाइम। ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, ये चैप्टर सिक्स में है, हम लोग देख लेंगे। इसके बारे में हमने कल बताया था कि इसको लिखा है किसने, रिटेन बाय टॉनी मॉरिसन। इनका नाम क्या था? टॉनी मॉरिसन। इन्होंने ही इसे लिखा है, टॉनी मॉरिसन ने, जो कि वंस अपॉन ए टाइम में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भाषा, ये भाषा के बारे में बखान की है कि भाषा एक ऐसी चीज है जो कि वह एक दुनिया में क्रांति ला सकती है, और भाषा ही है जिससे हम किसी भी चीज से निपट सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। उसी के संबंधित यह कहानी इन्होंने एक लिखा है, जिसके बारे में हमने कल मॉरिशस के जीवनी के बारे में कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था। आज इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर ये क्या भाषा के बारे में और कुछ बताना चाहती हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन वुमन। एक बार की बात है कि एक बूढ़ी औरत थी, ब्लाइंड बट वाइज, वह अंधी थी लेकिन बहुत ही बुद्धिमान थी। और वाज इट एन ओल्ड मैन, या कह सकते हैं कि एक बूढ़ी औरत थी, और गुरु परहैप्स और ए जियोट सूथिंग रेस्टलेस चिल्ड्रन। ठीक है, आई हैव हियर्ड दिस स्टोरी, बताती है कि मैंने इस तरह की कई कहानियां सुनी है जिसमें कोई गुरु भी था, ठीक है, जो कि बच्चों को शिक्षा देते थे, वो बड़े ही प्यार से उन्हें शिक्षा में बताते थे। और कुछ कुछ कहानियां ऐसी हमने और भी सुनी है, ये मॉरिसन बताती हैं। और एक वन एग्जैक्टली लाइक इट, इसी तरह का एक और कहानी है, इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चरल, ठीक है, और अनेकों समाज में ऐसी कहानियां सुनने को मिली होगी। इनका कहना है कि जो कि ये औरत है, जो बूढ़ी है लेकिन अंधी है, लेकिन जो है काफी बुद्धिमान है, तो क्या कहती है कि वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन ओल्ड मैन ब्लाइंड वाइज। ठीक है, एक बार की बात है कि एक बूढ़ी औरत थी जो कि अंधी थी लेकिन बुद्धिमान थी। इन द वर्सन आई नो द वुमन इज द डॉटर ऑफ स्लैब ब्लैक अमेरिकन। वह बताती है अपने शब्दों में कि मुझे यह ज्ञात है, मुझे यह पता है कि वह काले अमेरिकन एक नौकर गुलाम की पुत्री है। ठीक है, वह एक काले अमेरिकन के यहाँ, वह क्या है, डॉटर ऑफ स्लैब्स, स्लैब्स में गुलामी करना, नौकर की पुत्री है। ठीक है, किनके बारे में बता रही है, वह ओल्ड वुमन के बारे में। एंड लिव अलोन इन द स्मॉल हाउस आउटसाइड ऑफ टाउन, जो कि वह नौकरानी की, नौकर की पुत्री थी, और वह शहर से हटकर अकेले, ठीक है ना, एक छोटे से घरों में रहती थी। हर रिपुटेशन फॉर विजडम इज विदाउट पीर एंड विदाउट क्वेश्चन अमंग हर पीपल। उनकी जो प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान थी, बुद्धिमता के लिए, ज्ञान के लिए, वह जो है पूरे शहरों में चर्चित थी। लोग उस पर कोई सवाल नहीं उठाते थे, वह इतनी चर्चित थी कि उसका कोई जो है उसको भला बुरा नहीं कहता था, इतना वो ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो गई थी। शी इज बोथ द लॉ एंड इट्स
ट्रांसग्रेशन कह रहा है कि वो दोनों जानती थी, कानून को भी समझती थी और उसका अवहेलना करना क्या कहलाता है, विरोध क्या करना कहलाता है उसे भी वो अच्छी तरह से समझती थी। द ऑनर ही इज पेड एंड द ऑल इन विच सी इज हेल्ड इज सर्च बियॉन्ड हर नेबरहुड टू प्लेस फार अवे। लेकिन उसके पास पड़ोस के लोग ठीक है उसे नीचा दिखाना चाहते थे, उससे थोड़ा उन्हें जेलस होता था, जलन होती थी कि बूढ़ी औरत है, अंधी है, ब्लैक नौकरान नौकर की बेटी है, इतना नाम है इसका उद्यमता का उद्यमता के लिए ठीक है ना, उसका जो है उस पे सवाल उठाते थे कई कई तरह से कि नहीं यह जो है ढोंगी है, कुछ और तरह तरह से लोग कहते थे। इसका कहना है टू द सिटी वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ रूलर प्रोफेट ठीक है इन द सोर्स ऑफ मच अम्यूजमेंट। वो बताते थे कि यह जो है कोई इसके पास कुछ उस तरह का तंत्र है जो यह उससे पता कर लेती है, इसे कैसे पता हो जाएगा ठीक है, सोर्स था उसके पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वह एक ज्ञानी औरत थी। लेकिन उसे नीचा दिखाना चाहते थे लोग, समाज के लोग, उसके आस पड़ोस के लोग। वन डे द वुमन इज विजिटेड बाय सम यंग बल्क पीपल हु सीम बेंट ऑन डिसप्रूविंग हर क्लेवरेंस एंड सो हर अप फॉर द फ्रॉड दे बिलीव सी इज। एक दिन की बात है कि वो उस औरत के पास ठीक है कुछ यंग लोग पहुंचे, किस लिए कि चलो हम लोग ही देखते हैं कि औरत किस तरह से अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करती है, इसे जो है हम फ्रॉड साबित करके दिखाएंगे, उन्हें ऐसा लगा। और वह जो है उस औरत के पास लोग वहां गए, उससे मिले, यह विश्वास लेकर कि औरत फ्रॉड है या झूठ मूठ की इतनी बातें बता देती है या कुछ इसके पास उस तरह का तंत्र मंत्र है जिससे वह बताती है ठीक है। लेकिन वहां कवि जो है टोरी मॉरिसन बताना चाहती है कि नहीं, वो भाषा की ही बहुत बड़ी ज्ञानी है, जो भाषा को समझती है कि आखिर इस भाषा से क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं। तो दो लोग पहुंचे वहां पे, जाने के बाद से क्या हुआ, देयर प्लान इज सिंपल, उनका योजना एकदम साफ था कि दे इंटर हर हाउस एंड आस्क द वन क्वेश्चन द आंसर टू हिज राइट्स सोलोली ऑन हर डिफरेंस फ्रॉम देम। उनका साफ एक ही सवाल था ठीक है कि हम लोग घर में जाएंगे, उसको प्रवेश करेंगे और उसे एक सवाल पूछेंगे जिसका वह जवाब देगी, जिससे हम अपने जवाब से उसका डिफरेंस देखेंगे कितना सही बता पा रही है। और डिफरेंस दे रिगार्ड आर एज ए प्रो फ्रॉड डिजेबिलिटी, और यह डिफरेंस ही उसे बता देगा कि कितना इसके पास अक्षम है इस चीज आंसर को बताने में, यह फ्रॉड है यह नहीं बता पा रही क्योंकि वो अंधी भी थी। आगे बताता है कि जब वो लोग कमरे में गए और कमरे में जाने के बाद से उन्होंने एक सवाल पूछा हर ब्लाइंडनेस उसकी अंधेपन पर कि ये जो है ये तो अंधी है देख नहीं सकती है, तो इस तरह का कुछ सवाल हम लोग इसे करें। दे स्टैंड बिफोर हर एंड वन ऑफ देम सी, लोग कुछ गए उसके घर में उसके सामने खड़े हो गए और खड़े हो जाने के बाद से उसमें से एक ने बोला, एक जो है उसमें से उस औरत से पूछा ठीक है, यह जो है आप लोग ध्यान देंगे इस चीज को कि वन वुमन ओल्ड वुमन आई होल्ड इन माय हैंड अ बर्ड टेल मी वेदर इट इज लिविंग और डेड। ओ बूढ़ी औरत मुझे एक बात बताओ, मेरे हाथ में मैंने अपने हाथ में एक चिड़िया पकड़ रखा है, मैंने अपने हाथ में एक चिड़िया पकड़ रखा है और तुम बताओ कि क्या यह जिंदा है या मर गई है। तुम बहुत ज्ञानी हो, तुम सबको बता देती हो ठीक है, तो तुम मुझे बताओ कि मैंने हाथों में अपने जो एक चिड़िया पकड़ रखा है यह जीवित है या मर गई है ठीक है। तो
ये सवाल जब वो करते हैं उस बूढ़ी औरत से, ठीक है, तो इसका जवाब क्या आता है, इसको हम लोग अगले दिन नेक्स्ट डे मंडे को जानेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक रहा ये पैराग्राफ, ध्यान देंगे, ये पेज नंबर 60 में दिया हुआ है, आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।